मैं राधिका आर वन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मूंग दाल से बहुत ही मजेदार और टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं। शायद आपने ये नाश्ता पहले कभी नहीं खाया होगा, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीली वाली मूंग की दाल ली है। यहाँ पर मैंने इसे मेजिंग कप से एक कप मूंग की दाल ली है। आप चाहे तो यहाँ पर किसी चीज का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली मूंग की दाल है, ये देखिए बारीक वाली स्प्लिट। इस दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखा था, जिससे कि ये जो दाल है ये अच्छी तरह से फूल गई है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई है। और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसका पानी को निकाल दिया है। अब हम इसे मिक्सर जार के अंदर डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस कर इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। यदि बाय चांस आपको लगता है कि थोड़ी ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए। तो मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पीसना है आपको पेस्ट की तरह। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए इसमें एक भी दाल का टुकड़ा नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल फाइन पेस्ट पीसना है आपको। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर अभी मेजरिंग कप से 1 कप मैदा लिया है, तो थोड़ा हम इसके अंदर डालेंगे और हाथों की सहायता से मिक्स करते जाएंगे। पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसे हमें डो की तरह तैयार करना है। तो मैंने इसमें अभी 1 कप आटा पूरा यूज़ कर लिया है, पर यह भी मुझे स्टिकी लग रहा है, ये देखिए। तो इसमें मैं थोड़ा मैदा और डालूंगी, तो मैं यहाँ पर 1/2 कप मैदा और डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 मैदा 1/2 गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये बिल्कुल डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तब हम मैदा डालना बंद कर देंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि दाल पीसते समय आप पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करिए। यदि आप बिल्कुल ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो ये बैटर ये गीला हो जाएगा, फिर आप में इसको इसमें मैदे की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो हम नाश्ता बनाएंगे उसमें दाल का स्वाद कम आएगा, मैदे का स्वाद ज़्यादा आएगा। तो देखिए आपको इस तरह का डो लगाना है, ये देखिए मैंने टोटल इसमें 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो ये आटा है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम एक पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च, मैंने इसे रफली कट कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे 1 प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 1/2 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सभी को थोड़ी देर के लिए चलाते हुए भूनेंगे। आप यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह लहसुन और अदरक को बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप अदरक लहसुन को काट कर डाल रहे हैं बारीक बारीक, तो आप पहले अदरक और लहसुन को डालिए और हरी मिर्च को डालिए, उन्हें अच्छी तरह से पकाइए, उसके बाद ही प्याज डालिए। मैंने यहाँ पेस्ट का यूज़ किया है तो जल्दी से पक जाता है, उसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जो अदरक लहसुन के अंदर का कच्चापन है वो चला जाए और जो प्याज और हरी मिर्च है ये भी अच्छी तरह से थोड़ी सी पक जाए। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को कर लेंगे मीडियम। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 गाजर जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, 1 शिमला मिर्च इसे भी मैंने लंबा कट कर लिया है, और 1 कप डाल देंगे पत्ता गोभी, इसे भी मैंने लंबा कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को लंबा लंबा कट किया है, आप चाहें तो इसे बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा इन्हें कच्चा रखना है, ताकि जब हम ये नाश्ता खाएं तो मुंह में जो इसका क्रंच रहता है वो बना रहे। यदि आप पूरी तरह से पका लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो नहीं रहेगा, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। इस रेसिपी को मैं अपने स्टाइल में बनाना बता रही हूँ, मैंने अपने घर में बनाकर खिलाया था, ये सभी को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। और यदि रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप आगे किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं आपके साथ उन रेसिपियों को भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1/3 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, या आप चाहें तो यहाँ पर दोनों डाल सकते हैं, तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल लीजिए और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लीजिए। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक हम बाद में डालेंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे और वापस से गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो भी हल्के से पक जाएँ। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे
और स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो ये स्टफिंग है ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर नमक बाद में इसलिए डालने को कहा है, यदि हम गरम गरम स्टफिंग में नमक डाल देते हैं तो ये जो सारी सब्जियाँ हैं ये पानी छोड़ देती और जो ये स्टफिंग है ये हल्की सी गीली हो जाती है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें स्टफिंग को हल्का सा ड्राई रखना है, एकदम ज़्यादा गीला नहीं रखना है। तो इसलिए जब स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसमें नमक डालें। अब हम स्टफिंग को किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। आटे को हम एक बार अच्छी तरह से मसल देंगे और मसल कर वापस से स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पर आटा रेडी हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए, तो इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे इस तरह से, और इस लोई को अब हम बेलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लोई ले ली है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरह से और इसको बेलेंगे। इसे हमें पतला बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बेलें। आप चाहें तो यहाँ पर बेलने के लिए सूखे मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शीट बना ली है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उस स्टफिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। आपने स्प्रिंग रोल तो देखा ही होगा कैसा होता है, तो देखिए इस तरह से हम इसे पहले रोल करेंगे, हल्का सा स्टफिंग को अंदर दबा देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदे को घोलकर इस तरह से स्लरी बना ली है, ये देखिए। तो आप 2 चम्मच मैदा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से गाढ़ा घोल बना लीजिए। अब हम इस घोल को इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से यहाँ पर, और इसके चारों साइड भी हम इस तरह से इस घोल को लगा देंगे ताकि जब हम इसे चिपकाएं तो ये इजिली से चिपक जाए। ये देखिए अभी हम इस तरह से लगा देते हैं, बाद में हमें जरूरत लगेगी तो हम और लगाएंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। बस इसे बनाते समय आपको शीट को जो है वो थोड़ा सा पतला बेलना है, एकदम मोटा बिल्कुल भी नहीं बेलिए। इसके ऊपर वापस से ग्लू लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरह से चिपक जाए, और यदि आप ये ग्लू अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो ये खुल सकता है। अब देखिए इस तरह से आप फोल्ड करते जाइए। जो हमने इसमें मूंग दाल पीस के डाली ना उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप इस तरह से एक बार स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ट्राई जरूर करें। ये देखिए इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। वाव, तो ये देखिए वाव, यहाँ पर हमारा एक स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, कोई कह सकता है कि हमने इसे मूंग दाल के शीट से बनाया है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मूंग दाल के स्प्रिंग रोल बनाकर रेडी कर लिया है। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब एक एक स्प्रिंग रोल उठाकर हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तो जिस साइड से हमने जॉइंट किया है उस साइड से हम इस तरह से पहले तेल के अंदर डालेंगे इन्हें, ताकि जो जॉइंट है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। जितने स्प्रिंग रोल कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे, लेकिन ध्यान रहे इतने ही डालें जिसे आप अच्छी तरह से हैंडल कर सके। तो मैंने यहाँ पर अभी 4 स्प्रिंग रोल डाले हैं। अभी इन्हें हम धीमी आंच पर फ्राई होने देंगे। तो इन्हें हम हल्का सा टर्न कर देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा चला देते हैं। यदि आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ये अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें फोल्ड करते हैं तो जो शीट है वो रोल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें, बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए कढ़ाई के ऊपर रोक के रखें ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। अब मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। कोई कह सकता है कि ये मूंग दाल के स्प्रिंग रोल बने हैं, जो हमने शीट बनाई है वो मूंग दाल की है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से बाकी के बचे हुए रोल को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको एक स्प्रिंग रोल तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए वाव, कितना बढ़िया लग रहा है ना। जो हमने इसके अंदर स्टफिंग भरी है उससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।